आज की वीडियो में एक अलग ही फॉल्ट देखेंगे जो कि आपको आज तक कहीं देखने को नहीं मिला होगा। यहाँ पर हमने इस कंपोनेंट को कट कर दिया, ठीक है, कटर से। इसके बाद फिर हम यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखिए 5 वोल्ट दिखा रहा है। आज की वीडियो में जो आप फॉल्ट देखेंगे, ऐसा फॉल्ट आपने कभी देखा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो फॉल्ट है, पहले इसको फॉल्ट को आप देखें। जैसे हमने जो है ये ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पर देखें ओवरलोड और इन्वर्टर ऑन का इंडिकेट कर रहा है और कंटिन्यू बीप दे रहा है। देखिए फिर हमने इसको बंद किया स्विच, लेकिन ये बंद नहीं हुआ। अब ये फॉल्ट कहाँ से है और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, आज की वीडियो में बहुत डिटेल से देखेंगे, क्योंकि ये फॉल्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिला होगा जहाँ तक है। तो इसको देखें, सबसे पहले यहाँ पे पिन नंबर 1 पर इसके वोल्टेज को देखते हैं। इसके लिए हम DC के रेंज पर इसको सेट करके, और यहाँ पे 5 वोल्ट शो हो रहा है। अब देखें यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखें, ये जो है 5 नंबर ओवरलोड का 0 वोल्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं आगे, क्रिस्टल का 9 नंबर और 10 नंबर। ये देखिए, यानी क्रिस्टल वोल्टेज ओके है। फिर ये 15, 16, 17, 18, 19, 20 नंबर पे 5 वोल्ट, फिर 21 पे भी 5 वोल्ट, फिर आगे हम ये 27, 28 पे 0 है, ठीक है। अब इस फॉल्ट को हम आपको दिखाते हैं कि फॉल्ट कहाँ से है। देखिए अगर IC पे यहाँ पर हम 27, 28 ओपन कर देते हैं ऐसे, ध्यान से देखें, ये 27, 28 यानी लास्ट में इसको हम ओपन करके और इस तरीके से ऐसे लगाते हैं, अब इसको सप्लाई देते हैं। देखिए अभी भी ये वही कंडीशन है, देखिए। लेकिन फिर इसके बाद देखिए, ये अब ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी भी ये फॉल्ट सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए तुरंत बीप आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए अब इसकी हम IC भी चेंज करके दिखाते हैं, यानी सारे कंडीशन को हम क्लियर करते हैं। क्योंकि जैसे आपने पिन नंबर 5 पर देखा 0 वोल्ट ओवरलोड का, यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं है और फिर भी ये जो है इंडिकेशन में आपको ये ओवरलोड दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम IC को चेंज करते हैं और यानी करके दिखाते हैं, एक मिनट रुक जाइए, ये मैं करके तो देख लिया हूँ, लेकिन इसके बाद भी आपको दिखाते हैं कि सेम फॉल्ट इसमें भी है। देखिए इसमें भी सेम फॉल्ट है। अब आपको इसमें हम दिखाते हैं कि क्या करना है कि ये फॉल्ट सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पर देखें, ये हैंग हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी ये प्रॉब्लम ये सही भी हो जाता है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए इस फॉल्ट को हम दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इन्वर्टर को ऑन किया और ऑफ़ किया, फिर देखिए अभी ये इंडिकेट करेगा, ठीक है, ये ओवरलोड इंडिकेट किया। आप देखिए यहाँ पे जैसे हीट सिंक को टच करते हैं ऐसे बंद हो गया। फिर ये ऑफ हो गया। जैसे इसे टच करते हैं जैसे ओवरलोड का इंडिकेशन बंद हो जाता है और फिर आ जाता है। अब इस फॉल्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक जगह से ये फॉल्ट है और एक ही जगह सॉल्व करने से ये फॉल्ट सॉल्व हो जाएगा। वो कहाँ से है, वो है पिन नंबर 21 से, यानी जहाँ पे 20 नंबर की पॉजिटिव सप्लाई 5 वोल्ट दिया जाता है, वहीं से एक रेजिस्टेंस लगता है जो पिन नंबर 21 पे। जैसे यहाँ पर देखें ये हैंग भी हो जाता है, जैसे इन्वर्टर ऑन का इंडिकेट कर रहा है लेकिन ऑफ नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इन्वर्टर काम करेगा, यानी सिस्टम हैंग हो जाता है। तो ये पिन नंबर 21 जो है 21 पे लगा रेजिस्टेंस और एक पीएफ है, उसे हमने जो है चेंज किया है। और चेंज करके यहाँ पर दिखा दें, अभी हम उस लोकेशन को भी दिखाते हैं जो हमने चेंज किया है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस को वहीं पे लगा रहने दिया है, एक अदर रेजिस्टेंस लगाए हैं और वहाँ पर हमने जो 104 पीएफ है उसको चेंज कर दिया है। तो ये फॉल्ट सॉल्व हो गया है। जैसा कि यहाँ पर देखें ये इस समय ऑन है, अब इसके वोल्टेज देखें पिन नंबर 20 और 21 पे, ठीक है, ये 21 है और ये है 20 नंबर, ठीक है। तो 21 पे ये 4.9 वोल्ट है और यहीं पे ये वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रहा था, कभी अचानक 3 वोल्ट हो जाता था, कभी 1.5 हो जाता था, ये पीएफ कभी स्टार्ट हो जाता था, कभी ओपन हो जाता था और कभी चलने लगता था। ये यहीं से प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पे 27-28 से ओपन होने वाला आउट होने वाला जो गेट वोल्टेज है वो भी डिस्टर्ब हो जाता था, ठीक है, क्योंकि ये सप्लाई इंटरनल आईसी के जाती है जहाँ से हमारा गेट ड्राइव बोर्ड रेडी होता है। अगर यहाँ पे वोल्टेज डिस्टर्ब ज़रा सा भी होगा तो कांस्टेंट वोल्टेज हमारे गेट ड्राइव नहीं आउट होंगे, चाहे वो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही शिफ्ट हो। अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे जो लगा था रेजिस्टेंस वो 100K का लगा था, लेकिन हमने जो है वहाँ पे 470 ओम का लगाया है, जो कि कई पीसीबी में लग के पहले आते थे, लेकिन यहाँ पर हमने जो है अभी फ़िलहाल टेस्ट करने के लिए 470 लगाया है और पीएफ चेंज किया है। यहाँ पे पीएफ ही फॉल्ट था जो कभी कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था और कभी अपने आप सही हो जाता था। पिन नंबर 21 और 21 से लगा रेजिस्टेंस, यानी ये 470 ओम का, और यहाँ पर हमने जो है अभी ये ओपन रहने दिया है और ये पीएफ को हमने जो है चेंज कर दिया है, ये है, ठीक है। यहाँ पर दिखा दें ये है, ये पीएफ है 104। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही क्रिएट किया है और इसी की वजह से रेजिस्टेंस के वैल्यू भी शिफ्ट हुए हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा डिफरेंस के वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था, तो ये प्रॉब्लम आज सॉल्व हो गया है। तो ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए शेयर किया है क्योंकि बहुत ही टिपिकल फॉल्ट था, क्योंकि फॉल्ट अगर कांस्टेंट रहे कंटिन्यू रहे तो ये पकड़ में आता है। अगर कभी कभी सही भी हो जाता है या सिम्टम अलग दिखाता है, जैसे कि ओवरलोड इंडिकेट कर रहा था, तो ओवरलोड के लिए सबसे पहले पिन नंबर 5 पे देखा जाता है और या तो 5 वोल्ट सप्लाई या तो क्रिस्टल से रिलेटेड, तो ना क्रिस्टल से रिलेटेड फॉल्ट था, ना 5 वोल्ट सप्लाई का फॉल्ट था, ना आईसी में कार्बन था, ना 324। अभी सर्किट डायग्राम में देखेंगे पिन नंबर 20 और 21, यानी 20 से जुड़ा रेजिस्टेंस 470 ओम और 104 पीएफ, जहां पे पिन नंबर 1 पे 4.9 वोल्ट शो होता है, तो ये 27-28 पिन नंबर से ये आउट होता है 2.3 वोल्ट गेट ड्राइवर वोल्टेज, ठीक है, यानी गेट ड्राइव वोल्ट।